अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे FPSC असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS-17 FIA का 2002 का सॉल्ड पेपर। दोस्तों इससे पहले हम FIA असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के 2002 के पेपर की तीन वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने 75 MCQs डिस्कस किए थे 2002 के पेपर के। बाकी 25 MCQs आज हम इस वीडियो के चौथे पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS-17 जो FIA का पेपर है उसके हम मज़ीद पास्ट पेपर्स आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप जॉब से रिलेटेड जॉब्स के टेस्ट, जॉब्स के पास्ट पेपर और जॉब्स के सिलेबस और जॉब्स के एडवर्टिजमेंट के बारे में, यानी जॉब से जॉब की हर तरह की न्यूज़, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का मटीरियल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें, ताकि हम रोज़ाना हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और उस वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम 76 MCQs से डिस्कस करेंगे। बाकी तीन पार्ट्स के अंदर हम 75 MCQs डिस्कस कर चुके हैं 2002 के असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पेपर के। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, इसके बाद हम मज़ीद पास्ट पेपर्स लाने वाले हैं आपके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के। चलिए 76 देख लेते हैं। 76 हमारे पास सवाल है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स इज़ टू गेट वंस। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सी, रिवेंज। उसके बाद 77 है हमारे पास, पिक द वन मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू लेक, लस्टर या लस्टर भी इसको कह सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सी, वाइब्रेंट। उसके बाद 78 है हमारे पास सवाल, पिक द वन मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू लेसीट्यूड या लेसीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास टायर्डनेस। 79 हमारे पास सवाल है, वन हु नेवर टेक्स स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स इज कॉल्ड, जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स नहीं लेता उसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, टीटो टॉलर या टीटो टैलर भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद 80 हमारे पास सवाल है, इफ़ वन डज अ ड्यूटी विथ हार्ट एंड सोल इट इज़ डन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो हार्ट और सोल से ड्यूटी करता है उसको हम कहते हैं सी, इथोसियास्टिकली। दोस्तों उसके बाद 81 है हमारे पास, एयर हेड मीन्स, एयर हेड का मतलब क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, आ स्टूपिड पर्सन। उसके बाद 82 है हमारे पास, एडवर्सरी इज, एडवर्सरी क्या है, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है बी, अपोनेंट। उसके बाद 83 है हमारे पास, अ पर्सन हु स्टडीज़ रॉक्स एंड सॉइल इज़ अ, एक पर्सन है जो स्टडी करता है रॉक्स और सॉइल्स, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी, जियोलॉजिस्ट। 85 सवाल है हमारे पास, अपोजिट ऑफ होस्टाइल इज़, होस्टाइल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है बी, फ्रेंडली। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों 86 की तरफ, जो कि हमारे पास मैथ का सवाल है। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द LCM ऑफ 25, 30, 35 एंड 40। दोस्तों LCM फुल फॉर्म भी आपके पास आ सकती है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट मल्टीपल। दोस्तों इसका तरीका हमने सीखा था जो हमारी प्राइमरी जो क्लासेस थी, यानी 5 से लेके आपके पास इसका तरीका सिखाया जाता है। ये जितने भी नंबर हैं दोस्तों, इसको हम सबसे पहले छोटे से टेबल से डिवाइड करेंगे। छोटे से छोटे टेबल हमारे पास 2 का है, उससे डिवाइड करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे पास अगर डिवाइड हो गया, उसके बाद अगर फिर भी कोई बच गया, फिर 2 से, फिर 2 से नहीं हो तो फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह से सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। और जब तक ये सारे नंबर ख़त्म नहीं हो जाते, जो LCM का तरीका है दोस्तों हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 86 का आपके पास डी, नन, इसका नहीं निकलेगा दोस्तों। 87 है हमारे पास सवाल, होल सेल टी डीलर हैज़ 408 किलोग्राम्स, 462 किलोग्राम्स एंड 516 किलोग्राम्स ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ टी, ही वांट्स इट ऑल टू बी पैक्ड इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइजेस, इक्वल साइज़ के बॉक्सेस के अंदर ये सारे जो है वो टी पैक करना चाहता है विदाउट मिक्सिंग, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल बॉक्स।
दोस्तों लार्जेस्ट पॉसिबल आपके बॉक्स की जो है वो आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 87 का हमारे पास ए 50 दोस्तों इसको होगा। उसके बाद 88 है दोस्तों इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1.69 माइनस 0.01 और आपने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। दोस्तों ये सिंपली आपके पास डेसिमल के अंदर ये 1.69 से ये माइनस होगा, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर है आपका ए 1.20। उसके बाद 89 है हमारे पास 1216 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 127 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने सॉल्व करना है दोस्तों, आपने बोर्ड मास का रूल लगाना है, उसके बाद सॉल्व करके जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी 18 करेक्ट आंसर। उसके बाद 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन इज इन डिसेंडिंग। दोस्तों हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे की तरफ, असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर हमने ये फ्रैक्शन निकालनी है जो के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डी, हमारे पास 67 79 35। उसके बाद हमारे पास 91 है, इसके बाद ये भी आपके पास सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस के बाद आपके पास क्या नंबर आएगा दोस्तों, सीक्वेंस आपने पकड़ना है और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ए 41। उसके बाद 92 हमारे पास, वो भी सीक्वेंस का सवाल है। तो दोस्तों आपके पास FIA के अंदर, आपके पास FPSC के अंदर, आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सीक्वेंस आती हैं और वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना आती है और बोर्ड मास की कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहती हैं। 92 है हमारे पास 3 12 27 48 70 8 108। इसके बाद कौन सा सीक्वेंस होगा, कौन सा नंबर होगा, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ए 147। उसके बाद 93 है, ये भी हमारे पास सीक्वेंस है 3 7 23 95। इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा दोस्तों हमारे पास, इसका आंसर है दोस्तों 93 का सी 479 यानी 479। उसके बाद 94 है हमारे पास, ये भी सीक्वेंस है 6 18 18.3 21 7 56। इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा इस सीक्वेंस के अंदर, तो ये आपने सीक्वेंस की प्रॉब्लम बहुत सारी देख लेनी है, तो ये लाजमी तौर पे आपके पास आती रहती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ए 88 आएगा नंबर। इसके बाद 95 4 9 25, उसके बाद 121 169 189 369 361। इसके बाद जो सीक्वेंस फॉलो होगा दोस्तों उसके बाद हमारे पास इसका आंसर है ए 49। उसके बाद 96 हमारे पास जो सवाल है वो भी सीक्वेंस का है 6 13 28 59। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारे पास, जो कि फ़िलहाल तो मैंने नहीं निकाला, मैं आपको दोस्तों कमेंट के अंदर आपको कोशिश करूँगा इसका आंसर जो है वो निकाल के दूँ। उसके बाद 97 है हमारे पास, 9 is 1/3% ऑफ व्हाट नंबर, 9 जो है वो 1/3% ऑफ किस नंबर की। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सी यानी 300। उसके बाद 98 है, इफ 25 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जामिनेशन एंड फोर ऑफ देम फेल्ड, 25 में से 4 फेल हो गए, व्हाट परसेंट ऑफ देम पास्ड, कितनी परसेंटेज यानी आप निकालेंगे कि 4 के फेल होने के बाद कितनी परसेंटेज आई है बच्चों की, 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों परसेंटेज का इसके ऊपर सिंपल फार्मूला लगाएंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इसका दोस्तों सी, हमारे पास 84% हमारे पास स्टूडेंट्स पास होंगे। 99, द डायमीटर ऑफ अ राउंड टेबल इज 7 meters, हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन विल वॉक अराउंड इट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास डी 22 meters। उसके बाद 100 हमारे पास आखिरी सवाल है, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज, इसका स्क्वायर रूट है दोस्तों हमारे पास डी 27। तो दोस्तों आज हमने असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का जो पेपर है वो हमने 2002 का
का पूरा सॉल्व करके चार पार्ट के अंदर आपको अपलोड कर दिया। इसके बाद हम मज़ीद जो पेपर्स हमें मिलेंगे वो हम असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये वीडियोज़ आती रहेंगी, आप इसको देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो होती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ आपने पूछना है या हमसे कोई गलती हो गई तो आप कमेंट के ज़रिए उसको ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर करें, फेसबुक ग्रुप्स पर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे जो है वो फ़ायदा पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।